इजाजत दीजिए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 5 लाख दोगे तो वो राज की बात देगा। क्या रानीसा, मना करने पे भी पुलिस बुला ली तुमने? ऐसी चीटिंग करोगी तो फिर गेम खेलने में मजा कैसे आएगा? हाँ, हमने नहीं बुलाया, वो अपनी ड्यूटी पे है यहाँ। अच्छा, चलिए, ये फकीर ने आप पे भरोसा कर लिया, और आप भी उस भरोसे के बदले मेरी पहचान पे नहीं, मेरे पास जो जानकारी है उस पे दिलचस्पी रखिए रानी सा। क्या है ये? ये क्या है और किसका है आप सब जानती हैं। नजराना समझ के रख लीजिए, पूरी पिक्चर यानी बाकी के सारे सबूत मेरे पास है, और पूरी पिक्चर की टिकट का दाम 1 करोड़, और आपके लिए तो एक घने पेड़ में से एक पत्ता तोड़ने के बराबर है। कब, कहां? मैं कॉल करूंगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गलती उनकी, टाट हमरी, पुताई बिगाड़े ओ पछताए हम। वैसे भी हम बड़े नादान टाइप है ना, बोले खूबसूरत जी। मैं बोला खूबसूरत, भोली और नादान लड़कियों के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? मैं वीर की जगह होता तो कभी आपसे ऐसे बात ना करता। इतना बड़ा राजा बाबू हो पर गांव की औरतों की तरह चुगलीबाजी कर रहे हैं। अरे मैं तो आपकी तरफ। हमरी तरफदारी कर जबरन रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं। वो डॉक्टर साहब है ना, उनका और हमरा 6/6 36 का आंकड़ा है, तो उनसे निपटने में हम फुल सक्षम है। बुझे बुझे, चलिए माना कि आपके मैटर में बोलने का हमें कोई राइट नहीं, मगर आपके हाथ तो साफ कर सकता हूँ। देखिए, गुलाब के फूल जैसे लाल लाल छोटे छोटे कोमल हाथ कैसे नीले पड़ गए हैं। अब हो गया मदद, हम चलते बाबूजी से मिलने। जय माता रानी। वाह बाहर, डॉक्टर साहब का नाम लेके चंपा जी से का चौचक फर्श की साफ सफाई कराई हो तुम। उनका खौफ हमारे काम आ गया, वरना चंपा दीदी तो उस दिन की तरह वापस से तुमको फंसा देती। वैसे बहन तुम कुछ भी बोलो, डॉक्टर साहब इतने बुरे भी नहीं है। तुमको बड़ा दया भाव आ रहा है उनके लिए? बहन को छोड़ दुश्मन की तरफदारी कर रहे हो, दल बदलू पिंकू। अरे नाना, हम तो तुम्हारी टीम में रहेंगे। तो ये बकैती बंद करो और हमारी मदद करो दिया बनाने में। इलो दिया बनाओ। अरे इतनी मेहनत काहे कर रही है बहन, बाहर से मिट्टी का दिया ले लेते हैं। हाँ बुड़बक, धनतेरस पर यमदीप दान करते हैं। माटी का भी अच्छा ही है, लेकिन आज के दिन आटे का दिया जलाते हैं। तुम ना पिंकू, शहर आके गाँव के सारे रीति रिवाज भूल गए हो, देख रहे हैं हम। कुछ ना भूले हम बहन, सब याद है हमका, कैसे तुम और पाऊजी दोनों साथ मिलकर पहला दिया जलाते थे, पर यहाँ हम अकेले ही। पाऊजी साथ नहीं है हम जानते हैं, लेकिन इस घर में ना
उन्हीं के समान कोई है जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तू रुक पिंकवा, हम अभी आए। Come on यार, not fair, मैं नहीं खेल रहा। Come on bro, don't be a spoiled sport। हाँ आप तो बोलोगे, तब से जीत रहे हो, मैं नहीं खेल रहा। मेरा भी पैक है, एक और राउंड खेलते हैं, चलो। आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो, तब से एक भी राउंड नहीं जीते हो, पता है ना आपको। अरे वाह क्या बात है, इतनी जल्दी बैठ गए खेलने। अरे हमारे जय सिंह ने बोला कि उनका खेलने का मूड है, सो हमने कहा स्टार्ट करते हैं। Why don't you join in? आओ ना वीर, कम सिट। आइए ना रानी सर, वैसे भी अंकल को लेडी लक की जरूरत है। ऑफ कोर्स। हुकुम, हमको आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। हर साल धनतेरस का पहला दिया हम अपने बाबूजी के साथ ही जलाते थे, इस साल वो नहीं है ना, तो हमको लगा कि आप अपना हाथ रख दे तो वो हमारे लिए उनका आशीर्वाद जैसा हो जाएगा। ये मेरे How dare you touch me, huh? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? परु, पाऊजी की क्या बाऊजी लगा रखा है? आशीर्वाद मांगा था तो दे रहा था ना। तुम लोगों को जितना प्यार दो उतना ही सिर पे चढ़ने लगते हो। परवर कुछ नहीं, अब मेरा चेहरा क्या देख रही हो? जाओ यहां से, दफा हो, गेट लॉस्ट। पापा कंट्रोल योरसेल्फ। एक सेकेंड, और अपना ये दिया बाती उठाओ यहां से, तामझाम निकलो। पापा शी इज न्यू, भोली है वो, ये क्लास डिफरेंस उसे समझ नहीं आता, तभी तो आशीर्वाद लेने आई थी आपके पास। आई नो वीर, लेकिन डिस्टेंस नाम की भी कोई चीज होती है। आई मीन सारा गेम, आई लॉस्ट इट अगेन। बट पापा आई वाज जस्ट सेइंग दैट। पूरा ज्ञान तुम अपने ही फैमिली में बांटोगे वीर, या बाकी लोगों के लिए बचा के रखोगे? जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, एंड योर फादर इज राइट। और ये लोग ऐसे ही होते हैं, शाबाशी दो तो उंगली से सीधा हाथ पकड़ लेते हैं। नाउ लीव इट। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मत। सच्चाई दिखा रहा हूं आपको, खुद को देखिए, देखिए उन सबको देखिए, कुछ फर्क दिखता है आपको? हमको तो बस दोनों तरफ इंसान ही नजर आ रहा है। शीशे में जो इंसान खड़ी है उसमें और इनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, इनके कपड़े पहनने का ढंग,
इनका लाइफस्टाइल, इनका एटीट्यूड सब अलग है। इनकी दुनिया और आपकी दुनिया के बीच में एक ऐसी लकीर है जिसको आप कभी क्रॉस नहीं कर सकती। हम तो बस आशीर्वाद मांगने गए थे तो हम तो क्या, आप जहां से आई हैं जहां आज आप हैं इसमें बहुत फर्क है। इस फर्क को समझिए, उसके मुताबिक चलिए, दोबारा ऐसे रोना नहीं पड़ेगा। फिर आप ना ही समझेंगे डॉक्टर साहब, आपका परिवार आपके साथ है ना। हमारे बाबूजी जब साल में एक महीना गांव आते थे ना, तो हम दिवाली, दशहरा, होली, संक्रांति सब एक ही साथ मनाते थे। आज उपास है हमारे साथ ना ही, उनके प्यार और आशीर्वाद की कमी महसूस होने लगी ना, इसलिए हम आपके बाबूजी के पास। जहां तक बात फर्क की है ना, तू तो देखने वालों के नजरों में है, दुख में उनके भी आंखों से आंसू छलकता है, जैसे हमरा खुशी में भी ठहाके लगा के हंसते, जैसे हम एक ही आसमान के नीचे एक ही हवा में सांस लेते हैं। बनाना चाहे तो दुनिया भर का फर्क बना सकते हैं, लेकिन मिलाना चाहे तो हम आप फोटो में ये सब जो लोग हैं ना, जिस माटी में जन्मे, एक दिन उसी में ही मिल जाएंगे। आपको कुछ भी समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब समझाते कहाँ, अब तो बस डांटते रहते हैं हमको बात बात पर। चलिए जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। ऐसी रोती हुई शक्ल लेकर अपने बाबूजी से मिलने जाएंगे आप? नहीं नहीं, बाबूजी से नहीं। बाबूजी हमें रोते हुए देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, हमें हंसते हुए देखते हैं ना तो उन्हें ताकत मिलती है। वैसे हमरो कोनो गलती ना ही, पर फिर भी ठीक है, आपके बाबूजी थोड़ा बहुत हमें डांट भी दिए तो क्या, बड़े हैं वो, उनका हक बनता है। चलिए, हमें बाबूजी के लिए ना बालूशाही लेना है, लौंग लता तो मिलता है ना यहाँ पर। जय माता रानी। दानी बेटी, तू तू यहाँ का है? दिवाली का टेम है बाबूजी, आपसे मिलने भी नहीं आए का? हाँ बेटा, पर ऐसे अचानक का है? बाबूजी आप इतना का है नर्वस आ रहे हैं? उस साल वाला आदमी कुछ कहा का आपको? बहुत गुस्से में लग रहा था वो। कौन है वो? अरे ना ना बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसे कुछ खास नहीं। तू जा, तुमका वो ऑफिस जाना है, काम होगा, जा तू अभी जा, बाद में आना। हाँ जा। लगता है बाबूजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कौन है जो बाबूजी को धमका रहा था? काहे?
सारे सर्वेंट्स यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन रामू की बेटी कहाँ है? रानी साहब, वो लड़की क्या उसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? वो यहाँ पे रहेगी तो सीखेगी हमारे परिवार के क्या तौर तरीके हैं। हम यहाँ है, बिना हमसे परमिशन लिए कहाँ चली गई थी तुम? रानी साहब, हम वो बाऊजी से मिलने गए थे तो उन्होंने हमको ऐसा जानकारी दिया जिसके बाद हम आपके परमिशन का तो इंतजार नहीं कर सकते थे। क्या कहा रामू ने? यही बताया कि हर साल आप दिवाली में हम सबको गिफ्ट देती है, तो हमने भी सोचा कि बाऊजी का तो इस घर से 20 साल से रिश्ता है ना, तो इस साल हम सबके लिए भी गिफ्ट लाए हैं। ये देखिए, एक से एक चौचक। फुल स्टॉप। तुम हमें तोहफा दोगी? अरे जरूर देंगे, और आपके लिए ना एकदम काम की चीज लाए हैं हम। उस दिन आपको याद है ना, हमारी गलती के वजह से आप अपना फोन तोड़ दिए थे, तो ये देखिए, इंसान का बैटरी भले ही खत्म हो जाता है लेकिन ई बब्बा को एक बार चार्ज किए ना तो दिनों दिन चलता जाएगा और बहुत ही मजबूत है। हमारी दादी के पास भी सेम फोन है, कभी ना ही टूटा। रानी साहब को फिर से गुस्सा आया ना तो जी भर के फेंकिएगा, दीवार में गड्ढा आ जाएगा लेकिन ई फोन को एक को खरोच नहीं आएगा। कैसा लगा रानी? ये तोहफा अभी टेबल पे रख दो, मैं बाद में बांट दूंगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बाऊजी की तरफ से है तो हम अपने हाथों से ही देंगे। रानी अभी ना रानी सा जो दिवाली की बख्शीश दे रही हैं वो ले लेते हैं, हाँ फिर बांट देंगे। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा हमने ना गिफ्ट पर सबका नाम लिख दिए हैं, इधर उधर हो जाए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ लीजिए। दो दो गिफ्ट। ये पिंक वाला कियारा की ओर से है, थाईलैंड गई थी वहां से सबके लिए लेके आई है। थैंक यू। क्या बात है पिंकवा, दिवाली में तीन तीन गिफ्ट लिए घूम रहे हो। ये सब तो ठीक है बात, पर तू इतनी परेशान से काहे थी? बाऊजी से कछु बात हुआ का तुम्हारी? बात ही तो नहीं हुआ, वो तो तब से कुछ छुपा रहे हैं। बहन कुछ तो बोल। अरे तू चिंता ना कर, चल चलते अंदर, चल। I'm so sorry, I'm late. लगता है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गए। तुम लोग 5 मिनट और पहले आ जाते तो। It's okay, कियारा, come sit. Really wanted to see their faces. आप लोग ने मेरी गिफ्ट दी? Of course, बेटा। Ew! ये इतनी cheap gift इस घर में कौन लेकर आया? Such low quality. कुमुद, ये कचरा अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जहाँ के लायक है वहीं पे जाके फेंका। जी। गॉड, मेरा तो सारा मूड खराब हो गया देख के। जरूर किसी पटरी से खरीदा हुआ सामान था। I'm so sorry we are late, but ये ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ। But I just love the vibe of the city. I mean, जल महल की डेकोरेशंस, टोंक रोड की ब्यूटिफुल आर्किटेक्चुरल डिजाइंस एंड जौहरी बाजार की ग्लिटरिंग रोड्स, सब कुछ कितना लाइवली था। अरे वाह, इतनी भीड़ में जौहरी बाजार घूमने गए थे तुम दोनों? या वो वीर को सरप्राइज? What surprise? Oops. Sorry, baby. It's okay. This is for you, Rani sir.
डायमंड ब्रेसलेट आपका फेवरेट है, तो सोचा आपके लिए ले लूं। हाउ थॉटफुल, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, हमें तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। पहली बार आपने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया है रानी साहब, ये दिवाली कभी नहीं भूलेगी मुझे। सी आई टोल्ड यू रानी साहब वुड लव द गिफ्ट। तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। रानी सा आई वुड लीव, मॉम ने घर पे ज्वेलर्स को बुलाया है शादी की शॉपिंग के लिए। बाय बेबी, मिस मी। रानी सा आपको गिफ्ट सच में पसंद आया? ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं है वीर। वो क्या है ना कि डिजाइन कुछ पुराने जमाने की है। राजमाता ये आप रखिए, ये आपको ज्यादा सूट करेगा। लेकिन राजेश्वरी, ये गिफ्ट वीर खास आपके लिए लाया है। वीर ये गिफ्ट अपनी मन की तसल्ली के लिए लाया है और किसी और को खुश रखने के लिए हम अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकते।